चंद्रशेखर राव तेलंगाने में है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो एजुकेशनल हो, लेबर हो, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का यूनियंस हो, ये सब इंस्टीट्यूशंस को एक के बाद एक उसको नाश करने के लिए, उसको किल करने के लिए देख रहे हैं। पहले यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में आने के लिए ये सब लोग उनके पक्ष में काम करे हैं, सक्सेस हुआ है, वो मुख्यमंत्री बने हैं। उनको मालूम है स्टूडेंट्स का कितना पावर है, लेबर यूनियंस का कितना पावर है और गवर्नमेंट एनजीओस बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस का कितना शक्ति है। इसलिए ये लोग आगे आने वालों में मेरे खिलाफ जाएंगे तो उसको एक 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 ख़त्म करते हुए आना, ये उनका एम है। उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को सत्यानाश कर दिया, अभी ट्रेड यूनियंस को ट्रेड यूनियंस का ज़रूरत ही नहीं है ऐसा। पहले जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करते थे वो स्ट्राइक में गए तो उनके खिलाफ ऐसे ही बात करें, अभी आरटीसी एम्प्लॉयज़ को करें और आरटीसी में एम्प्लॉयज़ को यूनियन ही नहीं रहना, यूनियन का ज़रूरत ही नहीं है। हर डिपो से तीन आदमी चार आदमी को मैं डायरेक्ट आके बुला के बात कर तुम बोले तो। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये मुख्यमंत्री का ज़रूरत क्या है, एमएलए से डायरेक्टली हम बात करते बोले तो कैसे रहता। तो ये गलत चीज़ है, ये यूनियन जो है यूनियंस के अलावा कोई मैनेजमेंट नहीं चलता। अभी यूनियंस इटेड रजिस्टर्ड यूनियंस और कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड यूनियंस है। यूनियन के साथ मैनेजमेंट हर तीन साल दो साल चार साल एग्रीमेंट होते हैं, वेज एग्रीमेंट होते हैं, वर्किंग कंडीशंस का एग्रीमेंट होते हैं। तो अभी ये आरटीसी वालों को अगर यूनियन नहीं है तो किन से एग्रीमेंट होता, तो आप बढ़ा नहीं सकते क्या, क्या बढ़ा सैलरी बढ़ा के नहीं देते क्या, अगर बढ़ाए तो किन से एग्रीमेंट करते। तो ये सब गलत फहमी में, और उनके यूनियन को ऑफिसर्स ऑफिस से निकाल देंगे, उनके पास कोई जाने का नहीं है, ये सब गलत फहमी हैं। वैसे ही कि ये आरटीसी के पास छोड़ने वाले नहीं हैं, सिंगरेनी में यही होगा, इलेक्ट्रिसिटी में यही होगा, बाकी के इसमें वही होगा। और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, टीचर्स हो, एनजीओस हो और बाकी के ड्राइवर्स हो, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ हो, उनके यूनियंस में भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो जो प्रिविलेज्ड वर्कमैन है, प्रिविलेज्ड वर्कमैन का कंडीशन जो है, प्रिविलेज्ड वर्कमैन को जो कस्टमरी कन्वीनियंस देते हैं, जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में ये चलते हैं, उसी लिए उनको ड्यूटी नहीं देते हैं। वो वर्कर्स के वेलफेयर और मैनेजमेंट के वेलफेयर देखने के लिए उनको ऑन ड्यूटी कहते हैं। ये ब्रिटिश टाइम से आ रहे, ये चंद्रशेखर राव आने के बाद नहीं है, ये चंद्रशेखर राव सेंट्रल में लेबर मिनिस्टर होने के बाद ये नहीं आए या नए निकालने वाले हैं। उनके कुछ मिनिस्टर जो परसों तक थे नायन नरसिम्हा रेड्डी, वो बोले हैं यू चीफ मिनिस्टर आएगा जाएगा, गवर्नमेंट आएगा जाएगा, यूनियंस रहेगा, विदाउट यूनियंस चलने का सवाल ही नहीं है, ये बोले हैं। तो ये जो चंद्रशेखर राव ये यूनियंस को ख़त्म करने के लिए देख रहे, ये यूनियंस पूरा मिला के इनको ख़त्म करने वाले हैं। ये पूरे यूनियन वालों को बुला के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बीजेपी कंडक्ट करेंगे और वर्कर्स का कंडीशंस और वर्कर के राइट्स और गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये एक्सपोज करेंगे। फ्रेंड्स, ये CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में चंद्रशेखर राव और कांग्रेस वाले एक ही लाइन पे है, मगर चंद्रशेखर राव बाहर नहीं आता, उनके छोटे जो है उन लोगों से कुछ ना कुछ बकने के लिए बोलते हैं। चंद्रशेखर राव से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा स्टैंड क्या है? पाकिस्तान से जो मुस्लिम्स इधर आए हैं और बांग्लादेश से जो मुस्लिम्स इधर आए हैं इलीगली, इधर ओल्ड सिटी में बाकी के जगह ठहरे हैं, तो उनको सिटीजनशिप देना है, रेशन कार्ड देना है, पासपोर्ट देना है, इधर एम्प्लॉयमेंट देना है, आरोग्यश्री कार्ड देना है, यही है क्या तुम्हारा इरादा? तो बाकी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के वही बोलो, क्यों आगे पीछे हो रहे? आम पब्लिक को मालूम होगा तुम्हारा एटीट्यूड क्या है।
तुम्हारा देश के बारे में क्या सोच है तुम्हारा, ये पब्लिक को, आम पब्लिक को मालूम होगा। इसी टाइम पे और एक मैं कॉशन करना चाहता हूँ कि हैदराबाद सिटी में कुछ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल जो है उनके मॉर्निंग जो असेंबली होते हैं वो असेंबली में ये CAA के ऊपर खिलाफ वो एक विश स्टूडेंट्स में फैलाने के लिए कोशिश कर रहे। ये इंडिविजुअली आपका ओपिनियन है तो बाहर आके बोल सकते हैं, मगर स्टूडेंट्स के असेंबली में बोलने का हक नहीं है। अब वो रेक्टिफाई करे तो ठीक है, नहीं करे तो उनके ऊपर देशद्रोही का केस लगा सकते हैं। तो उतना दूर ना जाने से पहले ये रेक्टिफाई करेंगे ये मेरा उम्मीद है। अभी मेरे पास 3-4 इंस्टीट्यूशंस के बच्चे बोले हैं, मेरे पास आए सो इंफॉर्मेशन, बगैर मालूम ऐसे इंस्टीट्यूशंस कितना है नहीं मालूम, वेरीफाई करना है, हम पूछना है, मगर सब लोग नहीं बोलते ना। धमकी मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, नहीं कर रहे बोल के अगर वो इंस्टीट्यूशन अगर रेक्टिफाई नहीं करे तो उसके हिसाब से हम क्या करना है वो करेंगे। धमकी देने के हिसाब नहीं है, कॉशिश कर रहा हूँ, कॉशिश नहीं करे तो वो अल्टीमेटली वही होता है। नहीं नहीं ऐसे नहीं करने, वो इंस्टीट्यूशन होता है बच्चों के ऊपर फिर उसका असर होता है। अगर मेरा बेटा पढ़ रहे, वो बेटा क्यों